हेलो फ्रेंड्स, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ये दो ऐसी मूवीज हैं जिसने साउथ इंडियन मूवीज को लाकर खड़ा कर दिया बॉलीवुड की मूवीज के मुकाबले में, चाहे वो खान्स की मूवी हो या के कुमार की। लेकिन फ्रेंड बता दें कि बाहुबली सीरीज की शानदार स्टोरी की वजह से ऑडियंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि कब बाहुबली 3 रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड हम लाए हैं आपके लिए बाहुबली 3 के बारे में एक बढ़िया न्यूज। तो चलिए मजीद देर किए बिना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वेल फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं पर बास और राणा दग्गुबाती के लीड रोल पर मुश्तमिल मूवी बाहुबली की, जिसको फ्रेंड एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है। और आपको एक न्यूज देते चलें कि एसएस राजामौली ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि बाहुबली सीरीज का अभी एंड नहीं हुआ, लेकिन उनका मजीद कहना था कि वो बाहुबली 3 तब ही बनाएंगे जब उनके फादर नई स्टोरी लिखेंगे, और अगर मुझे ये स्टोरी पसंद आई तो जरूर डायरेक्ट करेंगे बाहुबली 3 को भी। और मजीद आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों की स्टोरी एसएस राजामौली के फादर ने ही लिखी थी, जो कि एक बढ़िया राइटर हैं। और फ्रेंड्स, सभी बातें एक तरफ, मूवी बाहुबली 2 में भी हमें क्लू मिलता है कि बिलाल देव को मार देते हैं प्रभास, लेकिन बिलाल देव के पिता जो कि इस सारे फसाद की जड़ होते हैं, उनका कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। तो फ्रेंड हो सकता है कि उसी कैरेक्टर को लेकर आगे मजीद स्टोरी को क्रिएट किया जाए। लेकिन आपको एक सबसे अहम बात बताते चलें कि एसएस राजामौली ने एक ट्वीट में कहा था, I know we have the market and if we make a film without a compelling story, that would not be honest filmmaking. उनका कहना था कि बाहुबली एक ब्रांड बन चुका है और अब अगर हम बाहुबली के नाम पर किसी भी तरह का कंटेंट दे दें तो लोग सिनेमाघरों में जरूर देखने को आएंगे, चाहे स्टोरी कैसी ही हो। लेकिन ये ऐसा करना फिल्म मेकिंग के साथ ईमानदाराना बिहेव नहीं होगा, और इसीलिए मैं अपने प्रोफेशन के साथ सिंसेयर हूँ और सीरीज का एंड नहीं हुआ, लेकिन हम बहुत जल्द इसकी स्टोरी पर काम करेंगे। तो फ्रेंड बाहुबली 3 का इंतजार किसे नहीं हो सकता, क्योंकि बाहुबली 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1810 करोड़ कमाए। लेकिन बदकिस्मती मूवी की मूवी दंगल मूवी को क्रॉस नहीं कर पाई चाइना में ठीक तरह से रिलीज ना होने की वजह से। लेकिन बाहुबली 3 से कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। तो उम्मीद है कि एसएस राजामौली बहुत जल्द एक अच्छी न्यूज देंगे और हमें बाहुबली 3 का ट्रेलर या टीजर या फर्स्ट पोस्टर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आप कितना वेट कर रहे हैं इस मूवी का, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी सभी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।